जहाँ गुरु की प्रमुखता है, गुरु की प्रधानता है, उन सभी जगहों पर ये पर्व मनाया जाता है। कबीर साहब के समय में भगवान की बड़ी महिमा थी, भगवान की भक्ति का बड़ा जोर था। सद्गुरु कबीर साहब ने इस भगवान की भक्ति को गुरु भक्ति के रूप में बदल दिया था। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो दिखाए। साहब की बड़ी प्रसिद्ध साखी है ये। कबीर साहब ने गोविंद, गोविंद श्री कृष्ण का एक नाम है, भगवान के लिए उसका प्रयोग होता है। जितनी महिमा भगवान की थी, कबीर साहब ने गुरु को गोविंद के समकक्ष, गोविंद के समान बताया। कबीर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके गुरु की भक्ति की ओर लोगों का ध्यान लगाया और गुरु की भक्ति को ही परमात्मा की भक्ति बताया। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बहुत नामों से बुलाती है, बच्चा कहेगी, लल्ला कहेगी, मुन्ना कहेगी, बहुत से नामों से बुलाती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को, वैसे ही कबीर साहब गुरु को, सदगुरु को बहुत नामों से बुलाते हैं। कभी उसे मल्लाह कहते हैं, कभी उसे रंगरेज कहते हैं, कभी उसे धोबी कहते हैं, बहुत नामों से बुलाते हैं। गुरु शिष्य को भवसागर से पार ले जाता है तो मल्लाह हो गया। जैसे रंगरेज कपड़े को एक नए रंग में रंगता है, वैसे ही गुरु शिष्य के मन को भक्ति के रंग में रंग देते हैं तो वो रंगरेज कहलाते हैं। जैसे धोबी कपड़े को पीट पीट करके उसके दाग छुड़ाता है, उसे साफ करता है, वैसे ही गुरु शिष्य के लिए बहुत मेहनत करते हैं तो उसको धोबी कहा उन्होंने। बहुत नामों से कबीर साहब गुरु को बुलाते हैं। ये गुरु के प्रति उनका प्रेम, उनका भाव उनकी साखियों में, उनके भजनों में प्रकट होता है। आज सुबह के सत्संग में गुरु जी कह रहे थे ना, संतों भक्ति सतोगुर आनी, ऐ संतों सदगुरु के लिए अपने मन में भक्ति पैदा करो। गुरु के प्रति अपने समर्पण, अपने विचारों को आज के दिन लगभग सभी आश्रमों में, वो चाहे बौद्ध हों या जैन हों या वैष्णव हों, सभी परंपराओं में आज का दिन मनाया जा रहा है अपने अपने स्तर पर, अपने अपनी समझ के अनुसार। हमारा यह एक छोटा सा आयोजन, एक छोटा सा विनम्र प्रयास है। कुछ भजन सुन रहे थे, हमारे बीच में विचार रखने के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित हैं संत श्री गुणेंद्र साहब जी, आप आएं और अपनी कुछ बातें हम लोगों के बीच में रखें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, पधारे हुए सज्जनों एवं देवियों, आप सबके बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। आज हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं।
पर्व हमारे जीवन में खुशी लाते हैं और ये आदमी को आदमी से करीब लाते हैं। हम लोग गुरु के अनंत ऋणी हैं और गुरु को वर्ष में एक बार याद करते हैं, जिससे हम ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए हमें बल मिलता रहे, क्योंकि हम अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, अपना रास्ता भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपने संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना बहुत ज़रूरी है और इसमें आप लोगों को शामिल होना बहुत अच्छा है। हमारा चित्त हर समय भटकता रहता है, दुखी रहता है, अशांत रहता है, क्योंकि इसके ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, अंदर और बाहर से हमले हो रहे हैं। बाहर से तरह तरह के मनुष्यों का संग मिलता है, प्रतिकूल लोगों का साथ मिलता है, छल कपट करने वाले लोग चारों तरफ मिलेंगे, वे उनसे हमें पीड़ा मिलती है, और अंदर मनोविकारों की धारा बड़ी तेज है, उसमें पढ़ करके जीव डूब जाता है। तो इन मनोविकारों की रूपी शत्रुओं और बाहर के शत्रुओं से हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है केवल सद्गुरु के सिवाय। सद्गुरु हमें हर तरह से बचाते हैं। हिंदुओं में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, कहते हैं कि वह विघ्न हरता है, इसलिए उसकी प्रथम वंदना की जाती है। परंतु सच में देखा जाए तो जीव के विघ्नों का हरण करने वाले सद्गुरु ही हैं, जो हर तरह की तकलीफ़ों से बचाते हैं, जो उनकी शरण में आते हैं, उनके जीवन निर्वाह की समस्या वे हल करते हैं, उनको जीवनोपयोगी वस्तुएं सहज ही मिल जाती हैं और पूर्ण निर्भयता प्रदान करते हैं। और आत्मज्ञान का अखंड खजाना वे शिष्य को दे देते हैं, जिससे वह पूर्ण निर्भय हो जाता है। स्वतंत्रता का अनुभव जीव को गुरु की शरण में ही होता है और सद्गुरु हर तरफ से पूर्ण होते हैं। वे दर्पण की तरह स्वच्छ उनका रूप होता है। जिस तरह से स्वच्छ दर्पण में आदमी अपना चेहरा देख सकता है, इसी प्रकार जब सद्गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो उनके निर्मल व्यक्तित्व के सामने जीव अपने स्वरूप का अनुभव करने लग जाता है। उसका मन वहाँ पर शांत हो जाता है, मनोविकार नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो सद्गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। सद्गुरु अपने आप में पूर्ण होते हैं और वे कथनी करने और रहने में उनकी एकता होती है। ये संगम उनके जीवन में दिखाई देता है और शिष्य को केवल उपदेश नहीं देते हैं, बल्कि अपने आचरण के द्वारा वे उत्तम आदर्श प्रस्तुत करते हैं। यदि गुरु के जीवन में आचरण ना हो तो उनके वचनों का असर नहीं पड़ता है। कैसे असर नहीं पड़ता है? जैसे एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, सभा में कहा कि मंत्री जी, यह तो बताइए कि आजकल इतने गुरु संसार में घूम रहे हैं और वे जगह जगह उपदेश देते फिर रहे हैं, परंतु उनकी वाणियों का असर जनता पर क्यों नहीं होता है? तो मंत्री जी ने कहा कि महाराज, मुझे 2 दिन का अवसर दीजिए, मैं 3रे दिन आपको बता दूंगा इसका उत्तर।
तीसरे दिन जब सभा लगी, सभी सभासद बैठे थे, उनके बीच में मंत्री जी ने सिपाही की तरफ इशारा किया और कहा कि राजा के कान पकड़कर उसको राज दरबार से बाहर निकाल दो। सिपाही मंत्री की मुख की ओर देखता रह गया और सोचने लगा कि मंत्री आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। उनके आदेश का पालन न करने पर मंत्री ने दोबारा फिर तिबारा उसको आदेश दिया, परंतु सिपाही अपने स्थान पर टस से मस नहीं हुआ। तब राजा ने को संदेह हुआ कि इसका दिमाग तो ठीक है। मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपका दिमाग संतुलन में तो है ना? तब मंत्री जी ने कहा कि मंत्री महाराज, आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर यही है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। जिस तरह से यह सिपाही मेरे अनधिकार चेष्टा, जो मैंने आपको आदेश सुनाया, आपके लिए जो आदेश किया था, वह मेरी एक अनधिकार चेष्टा थी और उसका पालन सिपाही ने नहीं किया, क्योंकि मुझ में वह योग्यता नहीं है कि मैं आपको दरबार से बाहर निकालने का आदेश दे सकूं। इसी प्रकार जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान का आचरण नहीं किया है, केवल वाणी से उसका उपदेश कर रहे हैं, तो उसका असर जनता के ऊपर नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सुधारना आवश्यक है, तभी दूसरों को सुधारा जा सकता है। और अपना सुधार ही हम बहुत बड़ी सेवा होती है। सद्गुरु तो तरण तारण होते हैं, वे स्वयं तरे हुए होते हैं, तब जाकर के वे दूसरे का उद्धार करते हैं। उनके आचरण मात्र से बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए गुरु के आचरण को यदि देखें तो वे उच्च कोटि के होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती है, वे अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, सब प्रकार से संतुष्ट होते हैं, सुखी होते हैं, परंतु शिष्य के लिए उनके मन में इतनी करुणा होती है कि शिष्य के दुख से दुखी रहते हैं। लोगों के दुखों को देख करके सद्गुरु करुणा से दुखी हो जाते हैं कि संसार के सभी लोग जल रहे हैं, किस प्रकार से इनकी जलन दूर की जाए, जैसा सुखी मैं हूँ वैसे ये कब सुखी होंगे। वे हमें अपने निकट लाना चाहते हैं। तो यह गुरु पूर्णिमा का पर्व एक अमूल्य अवसर है हमें सद्गुरु के निकट आने का। इस अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए और उनका सान्निध्य लाभ, दर्शन लाभ अवश्य लेना चाहिए। श्री कृष्ण जी महाराज कहते थे कि निर्मल हृदय संतों के पीछे मैं इसलिए घूमता हूँ कि उनके चरणों का रज मेरे माथे पर पड़े और मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए। तो बुद्धि की निर्मलता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है, और जब हम अपनी बुद्धि को निर्मल कर लेते हैं तो सब सुख हमारे सामने हो जाते हैं। सब सुख जो तू चाहे मुझको छाड़, सकल की आस मुझी ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। यह सद्गुरु कबीर की वाणी है, जिसमें सद्गुरु कहते हैं कि मेरे समान रहनी बनाओ, जैसा संतुष्ट मैं हूँ, सब तरफ से निष्काम हूँ, ऐसा तुम भी अपना जीवन बना लो तो सुख के लिए तुम्हें बाहर भटकना नहीं पड़ेगा, सब सुख तुम्हारे पास ही नज़र आ जाएंगे। जीव अपने आप में संपूर्ण होते हुए भी चारों तरफ सुख के लिए दौड़ता है,
वह समझ ही नहीं पाता कि सुख मेरे अंदर है। इसका बोध तो तब होता है जब सद्गुरु के पास जाते हैं, और सद्गुरु तो बताने के लिए तैयार हैं कि जिसे तुम खोजते हो वह तुम्हारे भीतर है, बल्कि तुम्हारा स्वरूप ही वह है। सद्गुरु के दिए हुए आत्मज्ञान के लिए हम लोग सद्गुरु के अपार ऋणी हैं, और उनका यह उपकार भुलाया नहीं जा सकता। इस उपकार को याद करने के लिए ही हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। आप लोगों का बड़ा धन्यवाद है कि आप लोग प्रतिवर्ष सद्गुरु के दर्शन लाभ के लिए यहाँ पर आते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए सद्गुरुदेव जी की चरणों में बारंबार बंदगी करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरेंद्र साहब जी के प्रति आभार। गुरु भक्ति में कोई कर्म कांड नहीं है, और चूंकि कर्म कांड नहीं है तो जिन लोगों का पूजा पाठ कराना धंधा है उनको इसमें लाभ नहीं जचता है। कोई ईश्वर की भक्ति करे और मूर्ति लगा ले, कुछ मंत्र जाप करे, कुछ कर्म कांड करे तो पूजापा बढ़ेगा, चढ़ावा चढ़ेगा, उसमें लाभ है। गुरु की भक्ति में कर्मकांड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मन की कोमल भावनाएं हैं गुरु के प्रति, साधु के प्रति, संतों के प्रति, तो इसमें कर्मकांड नहीं। इसलिए इसका इतना ज़्यादा प्रचार नहीं किया ब्राह्मणों ने। ज्ञान का जो स्रोत रहा है वह गुरु और शिष्य की परंपरा रही है। उपनिषद इस देश में अध्यात्म चिंतन के सबसे बड़े ग्रंथ माने गए हैं, वो गुरु और शिष्य के बीच में ही उपजे हैं, वहीं पुष्पित पल्लवित हुए, वहीं पर वो बढ़े हैं। तो गुरु और शिष्य की इस परंपरा में जहाँ ज्ञान बढ़ा है, जहाँ चिंतन बढ़ा है, इसी परंपरा में गुरु पूजा भी है। हाँ, इसमें कर्म कांड नहीं है, इस नाते ब्राह्मणों ने इसको बढ़ावा नहीं दिया। बाकी उन सभी जगहों में जहाँ गुरु का मूल्य है, गुरु ज्ञान की कीमत है, वहाँ ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूँ। ये कहाँ पीछे से कोई आवाज़ आ रही है? अंग्रेजी में गुरु के लिए कोई शब्द नहीं है। अंग्रेजी भाषा में गुरु के लिए कोई शब्द नहीं है। उनके यहाँ टीचर शब्द मिलता है, मास्टर शब्द मिलता है, लेकिन गुरु जैसा शब्द उनके यहाँ तो मिलता ही नहीं है। टीचर का अर्थ होता है वह जो शिक्षा दे स्कूलों में, प्रोफेसर वह जो बच्चों को पढ़ाए, मास्टर वह जो बच्चों को पढ़ाए। गुरु जैसा अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, इसीलिए वो लोग हिंदी का ही शब्द अंग्रेजी में प्रयोग कर लेते हैं।
तो यह जो गुरु गुरु पूजा है, गुरु शिष्य की परंपरा है, इसको अगर देखा जाए तो ये भारत में ही विकसित हुई है। इसकी चर्चा हम जितना करते हैं दूसरे उतनी नहीं करते हैं। अगले विचार रखने के लिए हमारे बीच में हमारे साथी धनेंद्र साहब उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि आप आएं और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के चरणों में सादर साहेब बंदगी करते हुए, उनको ही याद करते हुए आज कुछ बातें आप लोगों के बीच करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि सदगुरु कबीर ने कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। हम सब जो यहाँ पर सफ़ेद वस्त्रधारी संत नज़र आ रहे हैं, हम सब उसी कुम्हार के गढ़े हुए मिट्टी के बर्तन हैं। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने हम सबको गढ़ा है और इसीलिए आज उन्हें याद करने का अवसर है। परम पूज्य गुरुदेव जी अक्सर हम सबको एक ऐसा जीवन जीने का तरीका बताया करते थे कि हम ही नहीं, इस दुनिया में, इस जगत में जितने भी इंसान यहाँ जीवन जी रहे हैं, सबको वो बातें याद करने की आवश्यकता है। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी बहुत ही विनम्र और बहुत ही सदाचार जीवन जीने वाले एक सदगुरु हुए हैं। जब हम सब उनके शरण में रहा करते थे और आज भी हैं, तब वे हम सबको हमेशा एक बात याद दिलाया करते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि मेरे लाल, ये जीवन बस कुछ ही दिनों का है और इस जीवन को इस ढंग से जीना है, इस जीवन को इस ढंग से सजाना और संवारना है कि इसकी खुशबू युगों युगों तक फैलती रहे। अर्थात इस शब्द के पीछे उनका एक उद्देश्य छिपा था। वो उद्देश्य क्या था? हम अपने जीवन को या कह सकते हैं, बापू ने कहा कि मैं आज तक कभी किसी को अपना शिष्य अपना चेला यह तो नहीं कहता, लेकिन हाँ एक बात अवश्य कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो, यदि कोई इंसान ऐसा हो जिसके जीवन में मेरी प्रतिबिंब दिखती हो, मैं झलकता हूँ उसके अंदर, तो ये जान लेना कि वह मेरे द्वारा यह जान लेना कि वह इंसान मेरे अनुरूप चल रहा है, मेरे बताए हुए पथ पर चल रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम यदि अपने आप को किसी गुरु का, किसी सदगुरु का शिष्य मानते हैं, हम अपने आप को अगर यह मानते हैं कि हम सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं,
या सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के अनुयायी हैं या यहाँ रहने वाले संतों के अनुयायी हैं, तो हमारे अंदर वो सादगी झलकनी चाहिए, वो जीवन जीने का तरीका झलकना चाहिए, वो जीवन जीने का ढंग हमारे अंदर झलकना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को जी सकते हैं, तभी हम उनका शिष्य कहला सकते हैं। हम जीवन तो बहुत जीते हैं, और यूं कहें तो इस प्राणी जगत में हर इंसान जीवन जी रहा है, यहाँ तक कि पशु पक्षी कृमि कीट सब लोग जीवन जी रहे हैं, सब जीवन जी रहे हैं। लेकिन जीवन जीने की सार्थकता क्या है? जीवन जीने का सार्थकता यही है कि हम इस ढंग से जीवन जिए कि हमारे जीवन में दुख ना हो, दुख पूर्ण रूप से विलीन हो जाए हमारे जीवन से। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने जीवन को जीने का तरीका जानते हों। जैसे आप सबके पास मोबाइल है, मोबाइल को अगर चलाने का ढंग अगर आपको आता है, यदि मोबाइल को उपयोग करने का तरीका आता है, तो वो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कभी आपको व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। जैसे आप ध्यान के समय या सत्संग के समय बैठे हैं और आपको ये पता है कि इस मोबाइल को कैसे साइलेंट किया जाता है, कैसे फ्लाइट मोड में किया जाता है, या फिर कैसे इसे स्विच ऑफ किया जाता है, तो आप उसका उपयोग करके ध्यान और सत्संग के समय भी शांतपूर्वक जीवन जी सकते हैं, शांतपूर्वक बैठ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि जो हमें जीवन मिला है, ये जो जिंदगी मिली हुई है, इसका उपयोग कैसे करें हम? इसका उपयोग यही है कि हम इससे साधना करके, स्वाध्याय करके, चिंतन और मनन करके अपने जीवन को इस ढंग से निखारें कि यह जो शरीर है यह हमें सुकून देने का काम करे, हमें दुख देने का काम ना करे। एक छोटा सा उदाहरण और समझें। जैसे हम सब यहाँ अभी बैठे हैं, पालथी मारकर बैठे हैं, कुछ लोग होंगे जिन्हें दर्द महसूस हो रहा होगा, कुछ लोग होंगे जिन्हें ऐसा लग रहा होगा कि उठ करके बाहर चले जाएं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने अपने इस शरीर को कभी अभ्यस्त नहीं किया है, अभ्यास नहीं किया है। अगर हम लोग जैसे संत लोग हैं, संत लोग बैठते हैं रोज़ सुबह 2 घंटा, रोज़ शाम को 2 घंटा, उसके बाद जिन्हें जब अवसर मिलता है तब वो बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो उनका क्या है? उनका अभ्यास है। जैसे ध्यान शिविर का समय होता है तो लगभग 8 घंटे दिन भर में बैठना पड़ता है, तो उनका अभ्यास हो जाता है कि हमें कैसे बैठना है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, जो तकलीफें आती हैं, जो बुराइयां आती हैं, उनसे ऊपर उठने का तरीका क्या है? उसका अभ्यास करना। अभ्यास क्या? इसे निकालने का अभ्यास करना। घर में कचरा हो जाता है, गंदगी आ जाती है, तो आप झाड़ू लेते हैं और बुहार देते हैं, गंदगी साफ हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आपके मन में कभी दुख हो, कभी पीड़ा हो, कभी टीस हो, तो आपको ध्यान में बैठना होगा, सत्संग में बैठना होगा, और फिर अपने मन को देखना होगा कि हमारे मन में, हमारे विचारों में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें निकालने की ज़रूरत है, और ऐसे कौन से थॉट्स हैं, कौन से विचार हैं जिन्हें अंदर लाने की ज़रूरत है। जब ये 2 काम हम करने लग जाएंगे तो हमारा जीवन सुकून से चलने लगेगा, हमें दुख होगा ही नहीं। तो मैं कह रहा था कि हम इस ढंग से जीवन जिए कि हमारे जीवन से दुख विदा हो जाए, अर्थात आत्यंतिक सुख की प्राप्ति, जिसके लिए हम ये मानव का शरीर प्राप्त किए हैं, जिसके लिए हम संतों और गुरुजनों का संग साथ किए हैं, वो लाभ हमें मिल सके। तो मैं कह रहा था कि हम सब अपने जीवन को इस ढंग से जिए कि हम
जो मानव का जीवन प्राप्त किए हैं, संतों का संग प्राप्त किए हैं, इसकी सार्थकता हो सके और अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बना सके। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अगले प्रवक्ता के रूप में श्री अजय साहब उपस्थित हैं, आप आएं और अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करें। श्री अजय साहब, गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब सन। पूज्यवर गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज एवं दूर दराज से आए हुए संतगण, भक्तजन एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, आज का यह प्रोग्राम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जा रहा है। सूचनाएं भी आ रही है कि बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ से लाइव प्रसारण किया जा रहा है, और आषाढ़ पूर्णिमा, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व जो आषाढ़ पूर्णिमा को माना जाता है, इसको वेदव्यास से जोड़ते हैं कि उन्होंने वेदों का संपादन किया, और आज के दिन ही व्यास जी का जन्म भी माना जाता है। उन्हीं को लेकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, और साथ साथ इसका एक और कारण है गुरु पूर्णिमा मनाए जाने का, कि आषाढ़ से कहा जाए बारिश का मौसम भी आ जाता है। जहाँ कहीं भी संत जन कार्यक्रम देंगे तो बारिश में देना मुश्किल होता है, इसीलिए कहीं एक जगह, कहीं आश्रम हो या किसी के घर में हो, जो ज्ञान के इच्छुक हैं वे सोचते हैं कि हमारे घर में संतों का पदार्पण हो, हम उनसे ज्ञान लेकर अपने जीवन को महान बनाएं। तो इस उद्देश्य को लेकर भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा के रूप में गुरु को पूज देते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। गुरु शब्द बहुत ही गंभीर भाव को लिए हुए, और यह गुरु शब्द जो है पूर्व चेतना की उपज है। हमारे श्री संचालक महोदय कह रहे ही थे, यह गुरु शब्द जो है अंग्रेजी में इसका गुरु, जैसे हिंदी में होता वैसे अंग्रेजी में जी यू आर यू लिख दिया जाता है, इसका अंग्रेजी में शब्द नहीं है। और गुरु हमें शब्द से शुरू करके निःशब्द में जाकर अंत कर देते हैं, और निःशब्द में अंत करने की क्या बात है, हमारा जो जीवन है शब्दों से शुरू होता है। बिना शब्दों के हम किसी बात को नहीं समझते हैं, यह हमारी मजबूरी है, और शब्दों के पीछे इतना हम पागल हैं, उसी में हमारा यह मन रात दिन उथल पुथल मचाए रखता है। हम इस मन के बंधनों को तोड़ने के लिए ऐसी जगह जाना चाहते हैं कि जहाँ शब्द का कोई नामो निशान ना हो। तो नामो निशान ना हो, उसके लिए हमें किसी संत सद्गुरु के पास जाना पड़ता है। वे अपने
ज्ञान एवं रहनी के द्वारा शब्दों को मोड़ने की कला बताते हैं, कैसे हमारे जीवन से शब्द विलीन हो। और अगर आप जीवन में सुख चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, तो गुरु से जुड़कर रहें। गुरु को चांद की उपाधि दिया जाता है। आप सुने हैं कि गुरु सूर्य है? नहीं, सूर्य के पास ऐसी ऊर्जा होती है कि उसकी क्षमता को, उस ऊर्जा को हम अपने भीतर पचा नहीं सकते हैं। किसी ऐसे ऊर्जा की तलाश में हम रहते हैं कि जो हमें सुकून प्रदान करे। आप देखते हैं चांदनी रात में जब पूर्णिमा का चांद निकलता है, कितना शीतल हमें अनुभव होता है। अगर आप किसी प्राकृतिक जगह में जाते हैं तो कितनी मनोहर छटा आपको देखने को मिलती है। अगर आप ऐसे संत सद्गुरु के पास जुड़ते हैं, वे अपने ज्ञानालोक से हम लोगों के जीवन में एक रोशनी प्रदान करते हैं, और वह रोशनी है ज्ञान की, रहनी की, विवेक की। हमारे जीवन में सुख तभी आ सकता है जब हमें संसार का सही ज्ञान हो कि संसार में जो कुछ हमें दिखता है क्या यही सब कुछ है, कि इससे पार भी कोई जीवन है। अगर इस संसार से पार होने का जीवन आप जानना चाहते हैं तो गुरु के पास जुड़ने की जरूरत है। गुरु हमें इस संसार की बात तो बताते ही हैं, साथ साथ इस संसार में रहकर इस संसार से ऊपर कैसे उठें इसकी युक्ति भी बताते हैं। और गुरु के पास रहने वाले जो संत साधक हैं, वे भी इस मार्ग में बहुत आगे चल लेते हैं या चलने का प्रयास करते हैं। आखिर हम संतों से, गुरुजनों के पास जुड़कर रहने का एक ही मतलब है कि हमारे जीवन में सुख हर समय मौजूद हो। हर समय मौजूद हो, उसके लिए आपका मन शुद्ध स्वच्छ होना चाहिए। और मन की शुद्धता कैसे हो, इसके लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरु हमारे अज्ञान को दूर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन भी शुरू नहीं। कारण है, माता पिता से हमें एक जन्म मिलता है और गुरु के पास जाने से हमें दूसरा जन्म मिलता है। और इस दूसरा जन्म से तात्पर्य है वह ज्ञान, जिस ज्ञान को पाकर हम इस संसार में कमलवत रह सकते हैं। देखते हैं कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन वह सदैव कीचड़ से ऊपर रहता है। उसी प्रकार हम इस संसार में रहते हुए हमारे मन में संसार ना हो, उसके लिए हमें युक्ति चाहिए, तरकीब चाहिए। तरकीब आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए रोज कुछ ना कुछ आपको समय निकालना पड़ेगा। हमारा यह जो शरीर है कर्म प्रधान है, बिना शरीर से काम किए हुए हम इस शरीर को चला नहीं सकते हैं। आखिर आप कितने घंटे इस शरीर को बिना काम किए हुए रख सकते हैं, या आप भी जानते हैं, कहीं एक घंटा मुश्किल से रख सकते हैं, लेकिन शरीर बिना चलाए
चलेगा भी नहीं। देखते हैं जो ऑफिशियल वर्क करते रहते हैं वे भी सुबह शाम शरीर को घुमाना चाहते हैं, सोचते हैं कि दिन भर तो बैठ के काम करना ही पड़ता है, अगर नहीं काम करेंगे तरह तरह की बीमारी आ जाती है। आजकल तो नॉर्मल है डायबिटीज, वह तो कहा जाए कि हर आदमी उससे परेशान है। उसका कारण ही है कि आदमी अगर शरीर से काम नहीं करेगा तो निश्चित है कुछ ना कुछ शरीर में होता रहेगा। इसीलिए जब तक यह हमारा शरीर है तब तक हमें कर्म करने की ज़रूरत है, इसको हर समय हम काम में लगाए रखें, अच्छे काम में। इससे यह होगा संसार का काम तो होगा ही, साथ साथ मन में किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। कोई काम को लेकर हमारे जीवन में टेंशन क्यों होता है? इसलिए होता है जिस समय हमें उस काम को करना चाहिए उस समय उस काम को हम संपादित नहीं करते हैं। स्वाभाविक है काम आगे आ जाता है, हम पीछे हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है अगर आप समय पर काम नहीं करते हैं तो फिर वो उसी से आपको पछताना पड़ता है। तो मैं कह रहा था अगर आपको तरकीब जानना है, युक्ति जानना है, तो गुरु के पास रहकर ही उस युक्ति को हम पा सकते हैं। और उस युक्ति को पाने के लिए आज हम लोगों के पास सुंदर अवसर है, संतों के विचार हैं, साथ साथ पूज्यवर गुरुदेव जी के भी सुंदर विचार सुनकर हम लोगों एक नए आयाम में प्रवेश करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। बिहार में एक छोटी सी जगह है कस्बा, नाम ही कस्बा है। वहाँ से हमारे साथी संत श्री नारायण साहब जी आए हुए हैं। इस अवसर पर आप अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करें। श्री नारायण साहब जी, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूज्यपाद गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग एकत्रित हैं। हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। संसार में एक नहीं अनेक गुरु है, कोई शिक्षा गुरु, कोई दीक्षा गुरु, कोई कनफुक्का गुरु जो कुछ मंत्र दे देते हैं अब बस उतने ही में गुरु हो गए। अब शिष्य को कह दी तुम ये मंत्र का जाप करो तो इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरुओं के बहुत भीड़ लगी हुई है। कबीर साहब ने कहा है गुरुआ तो सस्ता भया, कौड़ी अर्थ पचास, अपने तन की सुधी नहीं शिष्य करण की आस। गुरुआ इतना सस्ता हो गए हैं कि 10 रुपया दीजिए उतने ही में गुरु मिल जाएगा आपको, 10 रुपया में आपको गुरु मिल जाएगा। या आपको चाहे शुद्ध शाकाहारी होना हो कि शुद्ध मांसाहारी होना हो उसका भी लेखा जोखा कितने गुरु नहीं करते हैं।
यदि शुद्ध शाकाहारी होना हो तो राम मंत्र ले लो, और कहीं मांसाहारी होना हो तो शिव मंत्र ले लो। गुरु हर तरह के गुरु मिल जाते हैं, जहाँ जाइए गुरु मिल जाएंगे। इसलिए साहब कहें जो गुरुवा तो सस्ता भया कौड़ी अर्थ पचास, अपने तन की शुद्धि नहीं शिष्य करण की आस। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु का आचरण कैसा होना चाहिए, उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए, ये इससे लेना देना नहीं है उनको। उसको बस गुरु बनना है। गुरु और सदगुरु, गुरु बहुत होते हैं, गुरु के भीड़ में से हमें सदगुरु को निकालना है। सदगुरु कैसा होना चाहिए ये हमें विवेक करना चाहिए। जिन्हें जड़ चेतन का बोध हो, आत्मा और परमात्मा का समझ हो, क्योंकि आत्मा परमात्मा की बातें बहुत चलती है, तो आत्मा और परमात्मा का बोध हो, जड़ और चेतन का बोध हो, बंधन और मोक्ष का बोध हो, पाप और पुण्य का बोध हो, खाद और अखाद का जिन्हें बोध हो, ऐसे गुरु को सदगुरु कहा जाता है। और जिसकी रहनी बिल्कुल उत्तम रहनी हो, जिसे हंस रहनी कहते हैं, ऐसे सदगुरु जिसे मिल जाता है उन्हीं को कल्याण होता है, उन्हीं को सही मार्ग मिलता है। एक गुरु अपने शिष्य को कुछ मंत्र दे दिए और कह दिए इतने में जाप करो, संयोग से उसका जो शिष्य था एक पारखी समाज में चला गया। वहाँ एक गुरु सदगुरु उपदेश कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, तो वहाँ चल रही थी चर्चा कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इन सारी बातों पर चर्चा चल रही थी। वो जो भक्त था उसने कहा हमारे गुरु तो ये सब बताए नहीं, सिर्फ मंत्र दे दिए हमारे कान में, आई जड़ क्या है, चेतन क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, जीवन क्या है, ये सब बारे तो कभी बताए नहीं। तो उन्होंने गुरु के पास जाकर के पूछा कि गुरुदेव आपने तो मुझे मंत्र तो दे दिया, परंतु ये जड़ चेतन क्या है, पाप पुण्य क्या है, जीवन क्या है, बंधन और मोक्ष क्या है। तो उसने कहा देखो ये सब चक्कर में ना पड़ो, ये सब चक्कर में ना पड़ो, यो तुमको जो मंत्र दे दिया हूँ उसका जाप करो, बस उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मंत्र क्या दिए थे, राम लक्ष्मण सीता, इसी में भागवत और गीता, बस इतना ही जाप करो। उसने कहा माँ गुरु महाराज ठीक है, ये मंत्र को तो मुझे जाप करना है, मुझे ये बताइए कि जड़ और चेतन क्या है, ये जीवन क्या है, पाप और पुण्य क्या है। उसने कहा जो जो गुरु किंचित निंदा करी सुअर स्वान जन्म ते धरी, जो गुरु की बातें नहीं मानते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, उसकी आज्ञा का अवज्ञा करते हैं, सुअर कुत्ता योनि में जाता है। और चेला को भी, वो भक्त को भी कुछ एक गोस्वामी जी का मंत्र याद था। उसने कहा हरे धन गुरु शिष शोक न हरी, असो गुरु घोर नरक में पढ़ी। जो गुरु शिष्य के शोक चिंता अज्ञान को नहीं हरण करता है, समस्या का समाधान नहीं करता है, वो गुरु स्वयं नरक में चला जाता है। उसने कहा तुम बकवास करते हो, तुम हमारी कंठी दे दो। तो उसने कहा कि आप हमारे दक्षिणा दे दीजिए। तो दोनों गुरु शिष्य में हो गए झगड़ा। तो ऐसा ना गुरु हो ना ऐसा चेला हो, जब गुरु यदि ज्ञानी नहीं होगा तो शिष्य को क्या ज्ञान देगा। पहली बात है कि जड़ और चेतन का बोध होना चाहिए। अध्यात्म में सबसे पहली बात है कि जड़ चेतन का बोध होना चाहिए। जड़ क्या है, इस शरीर जड़ है, चेतन आत्मा है, जिसके सत्ता से शरीर संचालित है, ये चेतन आत्मा है और यही आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा की बातें चलती रहती समाज में बहुत, ये क्यों चलती है, ये आदत है, सिर्फ आदत। आत्मा और परमात्मा दो चीज नहीं है, सिर्फ आदत है। आदमी को एक शब्द में बात पूरी करने की आदत नहीं है। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आता है या कि कोई गांव के आदमी आता है तो आप क्या कहते हैं,
तो नाश्ता वास्ता कर लीजिए ना। नाश्ता तो नाश्ता, वास्ता क्या होता है? वास्ता है, बात एक ही हुआ, नाश्ता वास्ता कर लीजिए, नाश्ता कराएंगे। परंतु नाश्ता कर लिए सीधे नहीं कहते, कहते नाश्ता वास्ता कर लीजिए, भोजन वोजन कर लीजिए। तो ये दो शब्द बोलने की आदमी की आदत हो गई है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा बोल देते हैं। वस्तुतः आत्मा ही परमात्मा है। हाँ, इसको यदि दो ढंग से अलग ढंग से समझा जाए तो जैसे आत्मा और परमात्मा, एक होता है सामान्य आत्मा, दूसरा होता है परमात्मा। जो आत्मा मोह माया में डूबा हुआ है, अन्य प्रकार के विकारों में पड़ा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह में लिपटा हुआ है, वो सामान्य आत्मा है। और जो आत्मा इससे मुक्त हो जाता है, जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, वही आत्मा परमात्मा कहलाता है। तो ये बोध होना चाहिए। और ये बोध कहाँ से मिलेगा? गुरु से मिलेगा, सच्चे सदगुरु से मिलेगा। जिनको सच्चे सदगुरु मिल जाता है उसका कल्याण हो जाता है। मैं आप लोगों के बीच कोई देर निवेदन किया, बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे साथी बता रहे थे बोध उसको सरल शब्दों में कहें तो वो ज्ञान जो चित्त की जलन को मिटा दे। जैसे कोई पानी पी ले तो उसकी प्यास बुझ जाती है, शीतलता का सुख उसे मिलता है। उसे ही आध्यात्मिक भाषा में पारखी संत बोध कहते हैं। पुस्तक की बातें, कहने सुनने की बातें हमें बताई गई और हमने लोगों को बताया, लेकिन उससे हमारे अपने मन और चित्त की जलन न मिटे, हम चिड़चिड़े बने रहें, क्रोधी बने रहें, असंतुलित रहें, उसे ज्ञान नहीं कहा, उसे बोध नहीं कहा, उसे जानकारी कहा संतों ने। तो गुरु वो हैं जो बोध में जीते हों और उसी का निर्देश देते हों। कल्याण पथ में पूज्यवर गुरुदेव जी ने लिखा है, जिज्ञासु साधक की स्थितियां गिनाई हैं उन्होंने। पहले पहल जिसमें धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, वो जिज्ञासु। फिर वो साधना करे तो साधक, वही साधु। जब साधना में निपुण हो तो वही संत। और संत की परिपक्व दशा जहाँ वह दूसरों को भी मार्ग निर्देश दे सके, कर सके, वह गुरु या सद्गुरु की बात है। वो कोई भी जाति का हो सकता है, किसी भी उम्र का हो सकता है, स्त्री हो सकती है, पुरुष हो। राबिया एक महिला थी, 90 बरस की उम्र में उसका चाम लटकने लगा था, एकदम बूढ़ी हो गई थी, गरीबी में जीती थी। और अनेक सूफी फकीर, मुसलमान फकीर उसके पास आया करते थे। और कई लोगों ने लिखा कि जब हम उससे बातें करते हैं तो हमें नहीं कहीं लगता कि हम किसी स्त्री से बातें कर रहे हैं, वह भेद ही चला जाता है। गुरु अपने ज्ञान, अपनी रहनी के नाते मूल्यवान होते हैं।
बजुला चादर बीनी सूत कर्म की तानी सुरति निरति का भर ना दीना सुरति निरति का भर ना दीना तब सबके मन मानी चादर हो गई बहुत पुरानी चादर हो गई बहुत पुरानी मेले दाग पड़े पापन के मेले दाग पड़े पापन के विषयन में लिपटानी विषयन में लिपटानी ज्ञान का साबुन लायन धोयो ज्ञान का साबुन लायन धोयो सत्संगत का पानी चादर हो गई बहुत पुरानी चादर हो गई बहुत पुरानी अब सोच समझ अभिमानी चादर हो गई बहुत पुरानी पई खराब गई अब सारी भई खराब गई अब सारी लोभ मोह में शानी सारी उम्र उड़ते बीती सारी उम्र उड़ते बीती भली बुरी ना जानी चादर हो गई बहुत पुरानी चादर हो गई बहुत पुरानी अब सोच समझ अभिमानी चादर हो गई बहुत पुरानी शंका मान जान जिए अपने शंका मान जान जिए अपने हे ये वस्तु वीरानी शंका मान जान जिए अपने हे ये वस्तु वीरानी कहे कबीर कहे कबीर इसे राखो यतन से कहे कबीर इसे राखो यतन से ये फिर यातन आनी चादर हो गई बहुत पुरानी चादर हो गई बहुत पुरानी अब सोच समझ अभिमानी चादर हो गई बहुत पुरानी चादर हो गई बहुत पुरानी बोले सद्गुरुदेव की जय कौशाम्बी से श्री ध्यान साहब जी आए हुए हैं ध्यान साहब जी अच्छे भजन गायक हैं आपसे निवेदन है कि आप आएं और भजन रखें
बोले सदगुरु देव की जय। तेजी जयकारा करें। बोले संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब की, परम पूज सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त सज्जनों की जय। अर्चनी वंदनी मुदमंगल में संत समाज, श्रद्धालु भक्त सज्जनों, भक्तमती माताओं एवं देवियों, आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सब यहाँ उपस्थित हैं आज्ञा भजन के लिए हुई है आप सबके समक्ष। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में गुरु महिमा पर ही भजन प्रस्तुत है। जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, इसी पर दो तीन साखी और भजन प्रस्तुत है। जय कबीर सदगुरु चरण मुद मंगल आगा, जय कबीर सदगुरु चरण मुद मंगल आगार, ज्ञान भक्ति मम दीजिए बिनवत बारंबार, बंदी छोड़ दयाल गुरु जिन्हें पारख दियो लखाए, आत्मस्वरूपी राम है सदगुरु दियो बताए, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबन सृजन हार, सुरत शिला पर धोइए चमके ज्योति अपार, वंदनीय गुरुदेव जी बिनवत बारंबार, नैया है मझधार में गुरु की जय भौसे पार, नैया है मझधार में गुरु की जय भौसे पार। भजन प्रस्तुत है गुरु महिमा पर। यदि भौ बंधन से बचना है गुरुपद में ध्यान लगा लेना, यदि भौ बंधन यदि भौ बंधन से बचना है
गुरुपद में ध्यान लगा लेना, यह जीवन नैया डूब रही, यह जीवन नैया डूब रही, जल्दी से पार लगा लेना, यह जीवन नैया डूब रही, जल्दी से पार लगा लेना। जो लख चौरासी घूम घूम, जो लख चौरासी घूम घूम, ये सुंदर नर तन पाया है, यह सुंदर नर तन पाया है, विषम विषयों से बच बच कर, विषम विषयों से बच बच कर, ये जीवन सफल बना लेना। यदि भव बंधन से बचना है, गुरुपद में ध्यान लगा लेना, गुरुपद में ध्यान लगा लेना। जब काल की कुड़की आएगी, जब काल की कुड़की आएगी, अपना सामान बचा लेना। यदि भव बंधन से बचना है, गुरुपद में ध्यान लगा लेना, यह जीवन नैया डूब रही, यह जीवन नैया डूब रही, जल्दी से पार लगा लेना। छल मोह क्रोध पाखंड त्याग, छल मोह क्रोध पाखंड त्याग, सत्संग में जा सत संगत कर, छल मोह क्रोध पाखंड त्याग, सत्संग में जा सत संगत कर, निज आत्म को परमात्म जान, निज आत्म को परमात्म जान, ये ज्ञान करंग चढ़ा लेना। निज आत्म को परमात्म जान, ये ज्ञान करंग चढ़ा लेना। यदि भव बंधन से बचना है, गुरुपद में ध्यान लगा लेना, यह जीवन नैया डूब रही, जल्दी से पार लगा लेना। विज्ञान आनंदो समय ऐसा, विज्ञान आनंदो समय ऐसा, फिर बहुरन मिलने वाला है, फिर बोरन मिलने वाला है, बस यही परम पुरुषार्थ है, बस यही परम पुरुषार्थ है, जीते जी मोक्ष बना लेना। यदि भव बंधन से बचना है, गुरुपद में ध्यान लगा लेना, गुरुपद में ध्यान लगा लेना, गुरुपद में ध्यान लगा लेना, यह जीवन नैया डूब रही,
यह जीवन नैया डूब रही, जल्दी से पार लगा लेना। यदि भव बंधन से बचना है, गुरुपद में ध्यान लगा लेना। बोलिए सद्गुरु देव की। गुरु पूर्णिमा का पर्व उन सभी परंपराओं में